आप मसाले इसमें रखोगे उसमें पानी नहीं है तो वो कैसे जमेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने इस फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको फ्रीज़र दिखाती हूँ कि मैं फ्रीज़र में क्या क्या सामान रखती हूँ और उनको कैसे रखती हूँ। तो ये है हमारा फ्रीज़र का सेक्शन। इसमें मैं बहुत सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको रख लेती हूँ, जैसे कि ये बेसन है। तो ऐसा नहीं है कि ये जम जाएगा, जब तक किसी भी चीज़ में वाटर नहीं है वो जमेगा नहीं। तो जैसे कि ये पैकेट मैंने खोला और जो भी यूज़ किया, क्योंकि जितने भी किचन में डब्बे रख लो यार कम ही पड़ते हैं। और इस तरीके की ये मैंने अमेज़न से क्लिप ली थी, इस क्लिप को ऐसे लगाती हूँ, ये देखिए ये आसानी से ऐसे लग जाते हैं और ये बहुत परफेक्ट हो जाता है, सील हो जाता है। और फिर इसको मैं रख देती हूँ। उसके बाद नीचे देखिए ये सारे फ्रीज़र में जमने वाले सामान रखे हैं, ये चॉकलेट्स वगैरह रखा हुआ है, ये मैगी का पैकेट है और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद मेरे लास्ट वीडियो जो एक फ्रिज का मैंने और वीडियो डाला था, उसमें लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप मसाले रखती हैं तो क्या वो जमते नहीं हैं। तो नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आप मसाले इसमें रखोगे उसमें पानी नहीं है तो वो कैसे जमेगा। तो बिल्कुल भी, आप मसाले इसमें बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर आप इनको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इनको डब्बों में रखूंगी तो यहाँ पे कितने डब्बे आएंगे, इसलिए मैं इसको ऐसे ये वाले बॉक्सेस में ही रख देती हूँ जैसे ही मार्केट से आते हैं। तो ये हमारा फ्रिज हो गया, सॉरी फ्रीज़र हो गया। इसके बाद मैं आपको नीचे वाला दिखाती हूँ। चलिए अब इसके बाद मैं ये नीचे वाला दिखाती हूँ आपको। अगस्त्य की आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहला ये स्लाइडर वाला सेक्शन है। तो इसमें मेरा मोस्टली ये डेयरी प्रोडक्ट्स रहता है, जैसे पनीर है, चीज़ है, ये अमूल का बटर है, बाकी ये खाली ही रहता है। और जो भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। उसके बाद ये पहला सेक्शन है, ये देखिए इसमें मैंने ऐसे एक बॉक्स रखा है। इस बॉक्स के अंदर तीन ऐसे कंपार्टमेंट हैं। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जी बनाने में लगती ही लगती हैं। तो मैं इस बॉक्स को एक बार निकालती हूँ और फिर ये सारे सामान एक बार में निकल जाते हैं, बार बार नहीं ओपन करना पड़ता है। ये धनिया है, टमाटर है और मिर्ची है। ये सारी चीज़ें जो भी मैं इसमें है वो सब अमेज़न की है, मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। दूसरा ये देखिए, इस टाइप का ये स्लाइडर है, ये मैंने इसमें अटैच किया है। नहीं तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स रखोगे, वर्टिकल स्पेस यूज़ करने के लिए मैंने ये लगा दिया है। ये देखो, इसमें मैंने नींबू रखा है, इसमें गाजर रखा है, ठीक है। इसकी भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। देखो इस पे मैंने ऐसे ग्लास कंटेनर्स रखे हैं और ये ग्लास कंटेनर्स मैंने ऐसे प्रेफर किए हैं, जो ये लेफ्ट ओवर फूड रखा है जिसको मैं सीधे इसमें से निकालूं और माइक्रोवेव में गर्म कर देती हूँ। और ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, ये भी अमेज़न का ही है। इस फ्रिज में एक फ़ीचर है जिसमें आप दही जमा सकते हो, तो उसके लिए ये देखो ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर ये स्टेनलेस स्टील का बॉक्स है, इसमें दही जमता है। तो मैंने इस पर पूरा एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी होगी तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब आपको आगे की डिटेल्स अगस्त्य देगा, ये बहुत हल्ला कर रहा था इसलिए इसको मैं ले आई हूँ। तो मैं आगे का और बता देती हूँ। तो ये मैंने ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाए ऐसे ग्लास कंटेनर्स रखे हैं। और यहाँ पे ये क्यूकुम्बर है, हम खाते हैं बहुत क्यूकुम्बर इसलिए मंगाया है। उसके बाद ये देखिए, ये वेजिटेबल वाले सेक्शन में ज़्यादा सब्जियाँ तो नहीं है, लेकिन ये देखिए मैं इस तरह से नेट वाले बैग्स में सब्जी रखती हूँ। ये देखिए, तो ये आप जब मार्केट से सब्जी आता है तो मैं उसको वॉश करके क्लीन करके जो भी करना होता है ऐसे नेट वाले इसमें डाल देती हूँ, तो ये निकाल के बनाने में आसान रहता है। फिर हम आ जाएंगे दरवाजे तरफ, तो इधर एग्स रखे हैं, ये सब तो कॉमन है यार, ये सब कर लेते हैं। इधर नेल पेंट है, इधर स्केचअप वगैरह है। गर्मी ख़त्म हो गई है इसलिए ठंडे पानी के बॉटल्स कम हैं, यहाँ पे ब्रेड रखा हुआ है। तो बेसिकली मैं ये बॉक्स यूज़ करती हूँ, ये इस टाइप के स्लाइडर्स हैं ये यूज़ करती हूँ। ऐसे स्टैकेबल्स कंटेनर यूज़ कीजिए आप, तो इससे बहुत स्पेस बचता है। और वो क्लिप, तो इस फ्रिज के ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आज वीडियो के एंडिंग अगस्त्य करेगा। अगस्त्य बोल रहा है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, अच्छू अच्छू। ओके फ्रेंड्स, बाय 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 कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बोल दो बोल दो। बोल।